क्लास में तुम्हें लगता है कि क्लास में 30 बच्चे हैं तो 30 के 30 सिर्फ पढ़ने वाले ही हैं, होते ही नहीं। 30 में से 2 या 3 बच्चों का पढ़ने में इंटरेस्ट होता है, बाकी किसी का खेलने में है, किसी को क्रिकेट में है, किसी को कबड्डी में है, किसी को सिंगिंग में है, किसी को डांसिंग में है, किसी को एक्टिंग में है, किसी को साइंस में है, किसी को टेक्नोलॉजी में है, किसी को लैंग्वेज में है, कोई आवारागर्दी करता है, किसी को किसी चीज में। इंटरेस्ट बहुत अलग अलग लेवल के होते हैं, पर हम सबको क्या कहते हैं, पढ़ो 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 और एक ही पेड़ पे चढ़ते जाओ, एक ही पेड़ पे चढ़ते जाओ। बस उस पेड़ पे जो सबसे पहले चढ़ेगा वो फर्स्ट आएगा, जो बाद में चढ़ेगा वो सेकंड आएगा, जो सबसे पीछे रह जाएगा वो लास्ट होगा। ये ध्यान नहीं देते जो लास्ट में लटका पड़ा है उसका म्यूजिक बहुत अच्छा है, जो लास्ट में लटका पड़ा है उसका डांस आता है उसको, जो लास्ट में लटका पड़ा है वो एक्टिंग बहुत अच्छी करता है, जो लास्ट में लटका पड़ा है वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, जो लास्ट में लटका पड़ा है वो बहुत अच्छा रेसर है, जो लास्ट में लटका पड़ा है वो बहुत ही अच्छा गेमर है, जो लास्ट में लटका पड़ा है वो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी जानता है, कि कोई नहीं समझता।